See, next one is a law of total probability. Very easy, interesting also, right? तो इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं हम कि क्या conditions है, right? मान लीजिए total this is the given as the sample space. This is the total sample space S is given, right? Out of which what is there are some mutually exclusive events. Let's say this is the E1 and E2. This is the E2, this is the E3 event, right? E3 and E4 dash dash dash. Let's say it goes up to EN. EN तक जाती हैं इवेंट्स. सो उनको हमने सेपरेट किया हुआ, इट मीन्स दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. और इन सब इवेंट के साथ में एक इवेंट ऐसी है जो कि इस तरह से इनके साथ में होती है. सो दिस इज द इवेंट ए. और उसका कुछ पार्ट जो यहाँ पे कवर होता है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज द इवेंट ए इंटरसेक्शन ई वन, राइट? एंड दिस पार्ट विल बी नोन एज द ए इंटरसेक्शन ई टू, एंड दिस पार्ट विल बी नोन एज द ए इंटरसेक्शन ई थ्री, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द ए इंटरसेक्शन ई एन, एंड लेट से इट गोज अप टू एन, सो इट इज ए इंटरसेक्शन ई फोर. और मान लीजिए कि वो एन टाइम्स एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो वो जो आपकी है एनएथ, उसके साथ में इसका इंटरसेक्टेड पार्ट ए इंटरसेक्शन ई एन आता हो, राइट? सो देखिए इसको लॉ को हम इस तरह से लिखते हैं, लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड लेट ई वन ई टू ई थ्री, ई वन ई टू ई थ्री एंड इट गोज अप टू ई एन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट? लेट इवेंट ए अकर्स विद ई वन एंड ई टू एंड E3 and up to EN. So this takes with the mutually exclusive events. Mutually exclusive events है उनके साथ में वो होती हो, ठीक है ना? तो then probability of occurrence of event A की जो probability है वो इस फॉर्मूले से आएगी. वो हम बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं क्यों इसका नाम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी दिया, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ एडिशन भी यूज हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है. तो मैं बताऊंगा किस तरह से. देखिए हम जब इस इवेंट की बात करेंगे तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा उसका ये पार्ट यहाँ पे, इवेंट ए का जो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, तो ये इसका इंटरसेक्टेड पार्ट है. तो ये इवेंट जबकि इवन हमने इवन इवेंट ली है एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये इवन इवेंट ई टू इवेंट से अलग है एंड ई थ्री इवेंट से अलग है, ई फोर इवेंट से अलग है. सो दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट? एंड इन दैट इवेंट ए अकर्स विद देम. सो पॉइंट ये है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ले लेंगे, राइट? और उसमें ए का जो इंटरसेक्टेड पार्ट है वो ये आएगा, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड. सो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एंड इसके बाद में नेक्स्ट आएगा, देखिए इसको नीचे लिखूं थोड़ा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो रिक्वायर्ड है वो ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड. देन ये इससे जो है एक्सक्लूसिव पार्ट है, फिर ई टू पे एंटर करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू आप लिखेंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई टू हैज अकर्ड, उसमें जो प्रोबेबिलिटी ये वाला पार्ट के अकरेंस होगी, राइट? फिर यहां से ये कवर कर दिया, फिर इस पे आएंगे. सो इट गोज लाइक दिस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई थ्री हैज अकर्ड एंड इट गोज लाइक दिस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन बोल लेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when EN has occurred. So it includes both the laws, but between them this and this, this is the law of multiplication, law of multiplication.
एंड बिटवीन दिस एंड दिस देर इज अ लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, इसलिए बीच में ये प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, और ये वाली इवेंट के साथ में ये जो है पूरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडिंग बोथ द लॉस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज द वेरी सिंपल लॉ, राइट। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के, तो कोई भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर आप उसको थोड़ा सा उसमें अगर चार में, तो फिर बहुत मजा आता है इनको सॉल्व करने में। वन बैग कंटेन्स फोर वाइट एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, सो फर्स्ट बैग ही हैज गिवन एंड इट इज कंटेनिंग द फोर वाइट एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, राइट। अनदर बैग, दिस इज द फर्स्ट बैग एंड अनदर बैग मीन सेकेंड बैग इज ऑल्सो गिवन, अनदर बैग कंटेन सिक्स वाइट एंड सेवन ब्लैक बॉल्स, तो ये सेकेंड बैग में ये पोजिशन दे रखी है इसने, राइट। अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, एक बॉल ट्रांसफर की है इसने, वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, राइट। अ बॉल इज ट्रांसफर्ड इज सॉरी अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग, पहले एक फर्स्ट बैग से सेकेंड बैग में एक बॉल ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे बात सोचिए, दो तरह की बॉल्स हैं, एक व्हाइट एक ब्लैक है, तो हो सकता है कि व्हाइट ट्रांसफर हुई हो सकता है ब्लैक ट्रांसफर हुई हो, नहीं मालूम है, ठीक है। और फिर बाद में एक बॉल निकालता है ये, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग, सो देन वन बॉल इज अगेन टेकन आउट फ्रॉम द सेकेंड बैग, तो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, तो वो बताइए कि ये जो बॉल निकाली है लास्ट में दैट इज व्हाइट, सो हमें इसका नाम निकाल देंगे, लेट्स से ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग इज वाइट, ये तो हमारी मेन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और इसमें दो तरह के वर्क हो सकते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की मैं बात कर रहा था, कि हो सकता है कि व्हाइट ट्रांसफर हो फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, और या हो सकता हो कि ब्लैक ट्रांसफर हो फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, तो यहाँ पे हम ये ले लेंगे से इवन व्हाइट व्हाइट बॉल ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स इन सेकेंड बैग, इन सेकेंड बैग, सेकेंड बैग में मान लीजिए व्हाइट बॉल चली जाती है, और दूसरी इवेंट ले लेते हैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर्स इन टू द सेकेंड बैग, मान लीजिए ये ट्रांसफर हो जाती है, तो अब हम एक काम करेंगे रिक्वायर्ड प्रायोरिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रायोरिटी होगी पी ए, पी ए इक्वल्स टू पी इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई टू हैज अकर्ड, राइट। सो बस इसमें सिंपली वैल्यू रखनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन मीन्स व्हाइट बॉल ट्रांसफर, तो हमारे पास में बॉल सिलेक्शन ले रहा है, इसमें से एक बॉल बॉल लेनी है और टोटल 9 बॉल्स हैं, सो इट इज 4C1 डिवाइडेड बाय 9C1, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द फर्स्ट बॉल, राइट। अब देखिए जब यहाँ एक व्हाइट इसमें ट्रांसफर हो गई है, तो व्हाइट हमने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से माना है कि एक व्हाइट बॉल इसमें चली गई है, तो यहाँ पे 7 व्हाइट हो चुकी हैं और 7 ही ब्लैक हो चुकी हैं, अब ये स्थिति है यहाँ पे, और इस कंडीशन में यहाँ पे कंडीशनल प्रायोरिटी इस बात की निकालनी है कि वी हैव टू फाइंड आउट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इज व्हाइट, अब इस केस में व्हाइट निकालना है, तो व्हाइट निकालना है तो आपको लिखना होगा 7C1 डिवाइडेड बाय 14C1, क्योंकि अब टोटल 14 बॉल्स होंगी और उसमें से 7 व्हाइट होंगी, तो दिस बिकम्स द कंडीशनल प्रायोरिटी, राइट। नाउ विल डिस्कस द सेकेंड केस, अब आप इसको हटा देंगे, इसको इरेज कर देंगे, नाउ E2 हमने इवेंट का नाम दिया ब्लैक बॉल ट्रांसफर्स इनटू द सेकेंड बैग, तो हमारे पास में 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड वन बॉल विल बी सिलेक्टेड, सो दिस इज द 5C1 डिवाइडेड बाय 9C1, टोटल बॉल्स 9 है, इनटू जब आप एक ब्लैक इसमें ट्रांसफर हो गई तो 6 तो व्हाइट ही रही
बट ब्लैक जो है 8 हो गई है। नाउ 8 ब्लैक बॉल्स आ गया और अब हमें एक व्हाइट चाहिए इसमें से। तो अब हमारी ये इवेंट आती है कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर टेकिंग आउट द व्हाइट बॉल व्हेन वन ब्लैक ट्रांसफर्ड। E2 मीन्स वन ब्लैक ट्रांसफर्ड, राइट। तो सेकेंड बैग में ये पोजिशन आ चुकी है, अब यहाँ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें से एक व्हाइट निकालने का। सो दिस इज 6C1 डिवाइडेड बाय 14C1। इसको देखिए सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 × 7 डिवाइडेड बाय 9 × 14 प्लस 5 × 6 डिवाइडेड बाय 9 × 14। थोड़ा इसको देख लीजिए, 7 × 14 और ये 2 टाइम्स कट होगा, 2/9 प्लस, एंड दिस कैन बी रिटन एज, ये 2 टाइम्स कट होता है, 3 टाइम्स कट होता है, सो दिस इज 10/42, राइट। सो 42 और 9, इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम लिख देता हूं मैं, 42 × 9, 378, राइट। सो 9 से डिवाइड करेंगे 42 टाइम्स, सो इट इज 84 प्लस 42 से डिवाइड करेंगे 9, सो दिस इज 90, राइट। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको हम बाद में, 4, दिस इज 4 एंड 9 × 8 = 17 डिवाइडेड बाय 378। अब इसको आप सिंप्लीफाई और कर दें, सो दैट कैन बी रिटन एज 8/7, दिस इज 12 12 एंड 18, सो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3 आल्सो, ठीक है ना। 5 जा एंड 8 58, राइट, डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 2 एंड 18 6 126, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस विल बी 29/60, 2 से और डिवाइड हो जाता है 63। नाउ चेक द आंसर, 29/63, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, सो नेक्स्ट वन इज दिस वन, राइट। देर आर टू बैग्स, अब उसने हम बैग वाले ही क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा आप लॉ ऑफ टोटल प्रायोरिटी को अच्छी तरह समझ जाएंगे। देर आर टू बैग्स, फर्स्ट बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, सेकेंड बैग कंटेन्स द 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। इससे पिछले वाले केस में 1 बॉल ट्रांसफर हुई थी, मान लीजिए इसमें 2 बॉल्स ट्रांसफर हो रही है, सो दीज आर द टू बैग, बैग की पोजिशन यह है, फर्स्ट बैग कंटेनिंग द 5 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स, राइट, एंड सेकेंड बैग इज कंटेनिंग द 3 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, राइट, 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। अब देखिए यहां पे इसने पहले 2 ट्रांसफर किया 2 बॉल्स को, राइट, 2 बॉल्स आर, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेकेंड बैग, नहीं पूरा पढ़ेंगे वापस, देर आर टू बैग्स, फर्स्ट बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 3 ब्लैक एंड सेकेंड बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड आर पुट इन टू द सेकेंड बैग। तो देखिए फर्स्ट बैग से 2 बॉल निकाल के सेकेंड बैग में डाल दिया है ना, इंटू सेकेंड बैग, देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग, और उसके बाद में यहां से जो है 2 बॉल्स बाद में निकाली उसने एक साथ, राइट। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर व्हाइट एंड ब्लैक, तो ये जो हम प्रोबेबिलिटी देंगे इसमें लिखेंगे 1 व्हाइट 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, मतलब 2 बॉल्स जो निकाली हैं उसमें एक व्हाइट हो एक ब्लैक हो, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। तो देखिए कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा लेंदी जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगा, और जो बॉल्स ट्रांसफर हो रही है 2 बॉल्स वो 3 तरह से हो सकती है। देखिए इवन हम बोलेंगे लेट 2 व्हाइट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, फर्स्ट टू सेकेंड बैग, फर्स्ट टू सेकेंड बैग में ये हुआ, मान लीजिए कि आप लेट, लेट मत बोलेंगे, चलिए प्रोबेबिलिटी है तो सीधा ही बोलेंगे, 2 व्हाइट हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट ले लेंगे 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक,
ट्रांसफर्स इनटू द सेकेंड बैग। ई थ्री इवेंट आप डाल दोगे, दोनों व्हाइट ले लिया, एक व्हाइट एक ब्लैक ले लिया, बोथ ब्लैक, सो टू ब्लैक ट्रांसफर्स फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, एंड देन अगेन ही टेक्स आउट द वन व्हाइट एंड वन ब्लैक। तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने का है तो ये अच्छा रहेगा। रिक्वायर्ड प्रायोरिटी जो हम लिखेंगे पी ए, वो इस तरह से लिखेंगे पी ई वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई थ्री, इस तरह से तीनों को लिख दिया जाएगा। अब फर्स्ट देखिए कैलकुलेशन, आप लिखोगे प्रायोरिटी ऑफ इवन, टू बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, दो बॉल्स जा रहेंगी वाइट, तो हमारे पास फाइव वाइट्स हैं, सो फाइव सी टू डिवाइडेड बाय एट सी टू, आउट ऑफ एट उसने फाइव में से टू वाइट ट्रांसफर कर दी। अब अगर यहाँ दो ट्रांसफर हो चुकी हैं, सपोज यहाँ ट्रांसफर हो चुकी है टू बॉल्स, तो इस सेकेंड बैग में पोजिशन यह है कि फाइव वाइट हो गई हैं और फाइव ही ब्लैक हो गई हैं, फाइव ही ब्लैक बॉल्स हो गई हैं, ये पोजिशन ध्यान देना है। और यहाँ पे अब ये निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, यानी कि वन वाइट एंड वन ब्लैक, सो वन वाइट मीन्स फाइव सी वन इंटू फाइव सी वन ब्लैक के लिए, ठीक है। और ये जो दो बॉल्स निकाली है आउट ऑफ टेन बॉल्स निकाली है टेन सी टू, दिस इज द फर्स्ट वर्क इज कंप्लीटेड, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड एक्सक्लूसिव इवेंट कि आप निकाल रहे हैं वन वाइट एंड वन ब्लैक, तो वन वाइट अगर उसमें ट्रांसफर करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा फाइव सी वन इंटू थ्री सी वन, राइट, डिवाइडेड बाय एट सी टू, ये आपका फर्स्ट काम हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, राइट, एंड इंटू, जब एक वाइट और एक ब्लैक ट्रांसफर हो गई है तो अब सेकेंड बैग में हम ऐसा करेंगे फोर वाइट लिख लेंगे, यहाँ पे फोर वाइट है और यहाँ पे सिक्स ब्लैक बॉल्स हैं, राइट, एंड अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वन वाइट एंड वन ब्लैक, तो उसके लिए लिखेंगे फोर सी वन इंटू सिक्स सी वन डिवाइडेड बाय, दिस इज आउट ऑफ टेन बॉल्स टेन सी टू प्लस। अब थर्ड इवेंट की बात करेंगे, थर्ड इवेंट जो है ई थ्री है, उसमें आपका टू ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ है उधर सेकेंड बैग में, तो अगर दो ब्लैक बॉल चली जाती हैं तो ऐसा होगा अगर दो ब्लैक होगी तो तीन वाइट वैसी रहेंगी और दो ब्लैक मीन सेवन ब्लैक हो जाएंगी अब, राइट, तो सेकेंड बैग में ये स्टेटस रहेगा और इस स्टेटस से एक एक निकालनी है, सो टू ब्लैक बॉल्स, तो पहला एक काम करेंगे पी ई थ्री लिखेंगे प्रायोरिटी ऑफ ई थ्री, ई थ्री मीन्स टू ब्लैक बॉल्स, सो थ्री सी टू, थ्री सी टू डिवाइडेड बाय एट सी टू, राइट, इन टू, देन वट यू हैव टू डू, वन वाइट एंड वन ब्लैक सेकेंड बैग से निकालना है, जब इस तरह की बात आ जाएगी दो ब्लैक बॉल इसमें चली गई हैं तो सेवन ब्लैक हो गई हैं वाइट एज इट इज है, राइट, सो दिस इज ब्लैक रन, ये ब्लैक लिखा हुआ है, राइट, ये स्टेटस है और इसमें से अब एक वाइट एक ब्लैक निकालने का है, थ्री सी वन इंटू सेवन सी वन हो गया डिवाइडेड बाय टेन सी टू। और ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए पूरा रिजल्ट एंड यू कैन सिंप्लीफाई एंड वी कैन सी दैट ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है ना, तो इसमें चेक करेंगे आप, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे एंड दैट वैल्यू विल बी द 673 डिवाइडेड बाय 1260 विल बी द आंसर, स्लाइटली थोड़ा कैलकुलेशन इसमें लेंदी जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एन एन कंटेन्स द फाइव रेड सिक्स ब्लैक एंड सेवन ग्रीन बॉल्स, राइट, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड, कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, एक ही पात्र है, एक ही अर्न है और उसमें तीन तरह की बॉल्स हैं, फाइव रेड सिक्स ब्लैक एंड सेवन ग्रीन, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, वापस उसको डाल दिया जाता है कलर देख के, एंड देन टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर पुट इन द अर्न, फिर उसके बाद में टू एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर आर पुट इन टू द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद एट रैंडम एक बॉल निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल टू बी ब्लैक इज, तो उस बॉल के
ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए इसमें इस तरह से काम करेंगे, दिस इज द अर्न इज देयर राइट, और उसमें जो पोजीशन दे रखी है 5 रेड दे रखी है राइट, 6 ब्लैक, 5 रेड 6 ब्लैक एंड देर आर द 7 ग्रीन बॉल्स, 7 ग्रीन बॉल्स आर देयर। तो ऐसा हो सकता है लास्ट में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको तो आप ए ही बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन बॉल टू बी द ब्लैक इज, तो वो तो हम इसको ए नाम दे देंगे। लेट बॉल ड्रॉन टू बी ब्लैक, लास्ट में फाइनली उसे ब्लैक बॉल ही निकालनी है और उसी की प्रायोरिटी निकालनी है। तो ये तो इवेंट ए हो गया, लेट द बॉल ड्रॉन बी द ब्लैक बॉल राइट। अब लेकिन तीन तरह के काम हो सकते हैं, क्योंकि वो उसने क्या किया है कि जो बैग है बैग में तीन तरह की उसका कलर देखा, बॉल का कलर देखा और उस बॉल को वापस डाल दिया और टू एडिशनल बॉल और डाल दी सेम कलर की, ठीक है ना। तो ये सब एक ही इवेंट है, इवन इवन इवेंट हम बोलेंगे। फर्स्ट ले लेंगे रेड कलर सीन, टू एडिशनल बॉल ऑफ टू एडिशनल ऐसा लिखिए डायरेक्टली, टू एडिशनल रेड बॉल पुट राइट पुट इन अर्न। मान लीजिए ऐसा किया कि उसने जब फर्स्ट टाइम देखा तो उसको एक रेड बॉल दिखाई दी फर्स्ट टाइम, और उस बॉल को तो उसने डाल ही दिया और उसके बाद दो रेड बॉल और डाल दी अंदर, तो ये पूरी इवेंट एक ही है। सेकंड में मान लीजिए कि इसमें ले लेंगे हम ब्लैक बॉल, ब्लैक कलर सीन एंड टू एडिशनल बॉल ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक बॉल्स आर पुट इन टू द अर्न। थर्ड इवेंट आप ले लोगे, लेट द ग्रीन बॉल इज सीन, ग्रीन बॉल देखी टू एडिशनल ग्रीन बॉल्स और ग्रीन बॉल्स को उसमें डाल दिया। तो ये इवेंट जो है तीन एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगी, और इस तरह से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं डायरेक्टली। देखिए पी ए हो जाएगा, पी इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई टू हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई थ्री व्हेन दिस ई थ्री हैज अकर्ड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मीन्स 1/a1 है, रेड कलर देखा और रेड टू एडिशनल डाल दी। तो देखिए अब जो हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, 7 रेड हो जाएंगी, 6 ब्लैक हो जाएगी और 7 ही ग्रीन बॉल्स इसमें हो जाएंगी। नाउ दिस इज द पोजीशन आफ्टर डूइंग दिस टू एडिशनल बॉल। अब पॉइंट यह है कि उसमें रेड बॉल्स हैं, जब एक बॉल को निकाल के कलर देखेगा वो, तो उसमें पॉइंट है इवेंट ये होगी कि 5 रेड बॉल्स हैं, तो उसको रेड देखने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगा 5c1 डिवाइडेड बाय दिस इज 5 6 11 7 18 18c1। ही हैज टेकन आउट वन बॉल और उसने कलर देखा कि वो रेड है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी इवन ये वाली हो जाएगी 5c1 डिवाइडेड बाय 18c1। एंड टू एडिशनल बॉल वो डाल रहा है, वो तो वैसा वर्क है, मीन्स दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट इसका जो है कि टू एडिशनल बॉल ऑफ रेड कलर आर पुट इन टू द बैग, तो वो तो डायरेक्ट डाल देगा, ठीक है। अब स्थिति ये हो जाएगी, 7 रेड हो जाएंगी, 6 ब्लैक और 7 ग्रीन हो जाएंगी एंड 1 ब्लैक इज रिक्वायर्ड। तो देखिए इसको डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे 6c1 डिवाइडेड बाय दिस इज 14 6 20 20c1 राइट। इसी तरह से अब आते हैं सेकेंड इवेंट पे, मान लीजिए ब्लैक बॉल उसने देखी थी राइट, ब्लैक बॉल देखी तो ब्लैक 6 है, सो उनको देखने का जो प्रोबेबिलिटी होगा 6c1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 18c1 राइट। सो दैट इज द 18c1 इनटू राइट। अब उसने अगर ब्लैक बॉल देखी है तो फिर उसमें 5 रेड ही रहेंगी, 5 रेड बॉल्स रहेंगी और 2 एडिशनल बॉल ब्लैक कलर की और डाल देगा, सो 8 ब्लैक हो जाएगा और 7 ग्रीन ही रहेगी। सो ये बॉल्स की पोजीशन होगी। अब अगेन फाइनली वी हैव टू ड्रॉ द ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल ही निकालनी है इसमें से, ठीक है ना। तो ब्लैक एरी, तो अब इसमें देख लेंगे आप 8c1 डिवाइडेड बाय दिस इज अगेन 15 20c1 दिस इज 20
सी वन प्लस ई थ्री। ई थ्री मीन्स ही हैज सीन द ग्रीन बॉल। अब मान लीजिए ग्रीन बॉल देखता है, ग्रीन बॉल देखने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगा आपका 7c1, 7c1 डिवाइडेड बाय 18c1, आउट ऑफ 18 बॉल्स हैं अभी। और अब ऐसा हो जाएगा कि जब उसने ग्रीन बॉल देखी तो 5 रेड ही रहेंगी, 6 ब्लैक ही रहेंगी और 9 ग्रीन बॉल्स हो जाएंगी। अब टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द टू ग्रीन कलर्स विल बी अगेन पुट इन टू द अर्न एंड देन वन ब्लैक बॉल इज टेकन आउट। तो अब एक ब्लैक बॉल निकालना है तो फिर आप लिखेंगे 6c1 बाय 20c1, राइट। तो ये देखिए वैल्यूज हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5 × 6 18 × 20 प्लस 6 × 8 18 × 20 प्लस 7 × 6 एंड 18 × 20। सो सब कैंसिल हो जाएंगे, 6 3 जा 18 एंड 5 4 जा 5 4 जा, तो यहाँ पे 1/12 आ रहा है प्लस। सो दिस इज 6 3 जा एंड वी कैन कट इट बाय द 4 4 2 4 5, सो 2/15 2/15 प्लस एंड 6 3 जा एंड देन बाकी पूरी वैल्यू वैसे लिखनी पड़ेगी 7 बाय, दिस इज 60 60। सो इफ यू टेक द 60 एलसीएम, 5 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 7, राइट, 15 20 20 बाय 60, 1/3 इज द आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बॉल्स का और इनकी कंडीशंस है, हमें चेक करना पड़ता है एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी है और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है वो ए होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते चले आते हैं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है और इसका रिवर्स लॉ है बेज लॉ। उसके बाद नेक्स्ट वही लेते हैं,